नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूँ आज फिर एक ज्ञानवर्धक धर्म से संबंधित पौराणिक कहानी के साथ। कहानी महाभारत काल से संबंधित है। इस कहानी में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने क्यों किया था भानुमति से जबरन विवाह और क्या रिश्ता था कर्ण के साथ भानुमति का, तथा कैसे बनी भानुमति अर्जुन की पत्नी। साथियों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, तो बिना आगे बढ़े बने रहें कहानी के अंत तक और साथ में मेरे चैनल को अपना बहुमूल्य प्यार और सपोर्ट देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद। साथियों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही एक मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। इसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आईं और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरती चली गईं, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसी के गले में डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गईं। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला कि कर्ण को परास्त करके तब मेरे पास आना। अर्थात उसने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया था, और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के दो संतानें हुईं। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला, जो बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण से कहावत बनी कि भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती की शादी, वो भी अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया था भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सांब भगा ले गया था। तीसरा, पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह की स्मृतियों के कारण ये कहावत चरितार्थ है। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ भी अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे।
दोनों की मित्रता बहुत प्रसिद्ध थी। भानुमती बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमती दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती किया करती थी, जिसमें दुर्योधन उनसे कई बार हार भी जाता था। भानुमती को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का बहुत गहरा धक्का लगा था, लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि भानुमती ने पांडवों में से एक अर्जुन से भी शादी करी थी। तो साथियों, कैसी लगी ये कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।